नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हो वॉइसलैंड की। एमपी की सियासत पिछले 2 साल में 360 डिग्री पर घूम गई है। माफ करो महाराज कहने वाली बीजेपी इस बार महाराज के साथ उपचुनाव के रण में उतरेगी। 27 विधानसभा सीट को होने वाले उपचुनाव में महाराज स्टार प्रचार करेंगे। साथ ही महाराज के साथ शिवराज सिंह चौहान भी उपचुनाव को लेकर तैयारी पूरी कर चुके हैं। बताया जाता है कि 27 विधानसभा सीटों में से 16 विधानसभा सीटों पर महाराज अपना अहम रोल निभाएंगे, खासकर ग्वालियर चंबल संभाग में। तो महाराज और शिवराज की ये जोड़ी इस उपचुनाव में हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछले 2018 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ही एक नारा लगाया था और वो ये नारा था कि माफ करो महाराज हमारा नेता तो शिवराज। लेकिन इस बार उपचुनाव में ये सुनने को हमें मिलेगा कि महाराज के साथ शिवराज। स्पेशल खबर ये देखिए हमारे साथ। बात बहुत पुरानी नहीं है, अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए जब नवंबर 2018 में मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से एक विज्ञापन लगातार गूंजा था, माफ करो महाराज हमारा नेता तो शिवराज। वक्त वक्त की बात है, उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के स्टार कैंपेनर थे, उनके खिलाफ बीजेपी ने ये विज्ञापन तैयार कराया था। लेकिन अब दल बदल कर सिंधिया बीजेपी में है, इस बदलते दौर में बीजेपी के विज्ञापन की इबारत भी बदलती हुई नजर आ रही है। अब जहां बीजेपी का नारा माफ करो महाराज हमारा नेता शिवराज था, वहीं अब माफ करो कमलनाथ शिवराज सिंधिया है साथ में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। 27 सीटों पर उपचुनाव में सीएम शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया की जोड़ी जल्द ही मैदान में प्रचार करती दिखाई देगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 9 से 14 सितंबर के बीच ताबड़तोड़ दौरे करने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक उनके इन दौरों में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी साथ रहेंगे। दोनों मिलकर उपचुनाव में बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। बीजेपी को उम्मीद है कि सिंधिया का आक्रामक रुख और शिवराज की जनता से नजदीकी उसे कांग्रेस से आगे रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ एमपी, भोपाल।